दोस्तों आज हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में खेले जाने वाले एशिया कप के पहले मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों के मुकाबले के बारे में आज हम बात करते हैं कि कौन सी टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, क्या आप भी रोहित शर्मा को अगर लाइक करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं न्यूट्रल वैल्यू पर। भारत बनाम पाकिस्तान का हेड टू हेड रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैचों का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। दोनों टीमों के बीच इस साल कैंडी में मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच वनडे फॉर्मेट में होगा। न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों टीमों के हेड टू हेड के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो दोस्तों पाकिस्तान का पलड़ा टीम इंडिया के मुकाबले बहुत ज्यादा भारी है। दोनों टीमों के बीच अपने होम ग्राउंड के अलावा कुल 75 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जहां पाकिस्तान की टीम ने कुल 40 मुकाबले जीते हैं। ठीक वहीं भारतीय टीम को मात्र 33 मुकाबलों में ही जीत हासिल हुई है। और तो और दोस्तों, दो मैचों का फैसला भी नहीं हो सका था। हालांकि टीम इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी पीछे नहीं है। रिकॉर्ड से परे टीम इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करना चाहेगी और इस धमाकेदार अंदाज का इंतजार पूरे 150 करोड़ भारतवासियों को है। तो दोस्तों आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक वहीं बात करें दोस्तों, श्रीलंका में जब भिड़े भारत और पाकिस्तान, तो श्रीलंका में जब भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है तो दोस्तों वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं, जहां दोनों टीमें बराबरी पर है। दोनों टीमों के बीच श्रीलंका में 3 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जहां टीम इंडिया ने 1 और पाकिस्तान ने भी 1 मैच जीता है। वहीं एक मैच रद्द कर दिया गया है। साल 1997 में दोनों टीमें पहली बार श्रीलंका में भिड़ सकती थी, लेकिन वह मैच रद्द कर दिया गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा पलड़ा, किस टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी है, कौन सी टीम इस मैच को जीतेगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।